आत्म साक्षात्कार कैसे हो, आत्मलाभ कौन करेगा, परम तत्व की प्राप्ति किसको होगी, साधन क्या है, इस विषय पर सद्गुरु कबीर की चार पंक्तियां और मुंडक उपनिषद का एक मंत्र, इनका आधार लेकर कुछ निवेदन है। सद्गुरु कबीर कहते हैं, दया राख धर्म को पाले, जगते रहे उदासी, अपना सहजी सबको जाने, ताहि मिले अविनाशी, सहे कुशब्द वाद को त्यागे, छाड़े गर्व गुमाना, आत्म राम ताहि को मिले हैं कहें कबीर सुजाना। मुंडक उपनिषद का मंत्र है, सत्येन लभ्य तपसा हे सात्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येन नित्यम अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो शुभ्रो यम पश्यन्ति यतिह शिन दोषा। अविनाशी तत्व का बोध किसे होगा, आत्मा राम की प्राप्त किसे होगी? सद्गुरु कबीर कहते हैं, इसके लिए पहले अपने आप को तैयार करना होगा, एक भूमिका तैयार करनी होगी। बिना भूमिका तैयार किए आप खेत में बीज डाल दो, बीज अंकुरित कैसे होंगे, बढ़ेंगे कैसे और फसल तैयार कैसे होगी? पहले एक भूमिका, एक वातावरण तैयार करने की आवश्यकता होती है। केवल ज्ञान के आधार पर, ज्ञान के नोक पर आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, आत्मकल्याण नहीं होगा, आत्म शांति का अनुभव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा परमार्थ बिगड़ा नहीं है। परमार्थ कभी बिगड़ता नहीं है, और जो बिगड़ जाए वो परमार्थ नहीं होता। आत्मा कैसे बिगड़ेगा, आत्मा में बिगाड़ कैसे होगी, आत्मा में गड़बड़ कैसे होगी? आत्मा तो एकरत है, अविनाशी है, अखंड है, शुद्ध बुद्ध है, तो आत्मा का बिगाड़ कैसे हो जाएगा? इसलिए जब आत्मा का बिगाड़ नहीं होगा तो परमार्थ का बिगाड़ नहीं होगा। बिगाड़ होता है, भटकाव होता है, उलझने आती हैं व्यवहार में, जीवन के कर्मों में, कर्तव्यों में, आचरणों में, मन के चिंतन में। परमार्थ को सुधारना नहीं है, वो सुधरा हुआ है, सुधारना है व्यवहार को। और व्यवहार सुधारने का अर्थ है अपने आचरण, अपने कर्म और अपने मन के चिंतन को। मन शुद्ध हुआ,
आचरण शुद्ध हुए, आचरण शुद्ध हुए, कर्म शुद्ध हुआ, तन मन वचन निर्मल, परमार्थ अपने आप बना हुआ है। इसके लिए सदगुरु कहते हैं दया राख, धर्म को पाले, दया रखो और धर्म का पालन करो। दया वह साबुन है जो हमारे मैल, हमारे मन के मैल को धोकर हमारे मन को शुद्ध और साफ करता है। दया दुखियों के दुख को दूर करने का प्रयास। सदगुरु कबीर ने तो ये भी कहा है जहाँ दया तह धर्म है, जहाँ लोभ तह पाप, जहाँ दया है वही धर्म है। दया को छोड़ कर के धर्म और कुछ नहीं हो सकता। गोस्वामी जी ने कहा है दया धर्म का मूल है। धर्म का मूल क्या है? दया। और दया का अर्थ है दुखियों के दुख को दूर करने का प्रयास, जो हमसे संभव हो। दया बिना दया के न दान होगा, बिना दया के न सेवा होगी, बिना दया के न परोपकार होगा, कुछ नहीं होगा बिना दया के। कुछ दया है तब आप दान करोगे, कुछ दया है तब आप सेवा करोगे, परोपकार का काम करोगे। और दया कब होगी? जब मन कोमल होगा। मन कोमल कब होगा? जब हृदय की कठोरता दूर होगी। हृदय कठोरता दूर कैसे होगी? जब विषयाशक्ति और अहंकार का त्याग होगा। तो और बचा क्या फिर? सब कुछ तो आ गया। इसलिए दया की जरूरत है। जाके दया धर्म नहीं मन में मुखड़ा, क्या देखिए दर्पण में। ये कबीर साहब कहते हैं यदि तुम्हारे मन में दया धर्म नहीं है तो दर्पण में चेहरे को देख देखकर संवारने से क्या होता है? चेहरा ना संवारो, मन को संवारो। चेहरा संवारते संवारते तो जिंदगी बीत गई, और जिंदगी नहीं बीत गई, अनादिकाल का समय बीत गया। मन को संवार लेना, और मन को संवारने का अर्थ क्या है? कोमल भाव, सद्विचार। सद्विचार होगा तो कोमल भाव आएगा ही आएगा, कोमल भाव होगा तो दया का व्यवहार होगा। इसलिए दया रखो, जो बन सके अपने से दुखियों के दुख को दूर करने का प्रयास, जिस किसी प्रकार से बने। सोचें बुद्ध, महावीर, कबीर या अन्य और जो बड़े संत हुए हैं, वे अपनी साधना कर लिए, अपना कल्याण कर लिए, चुपचाप बैठ करके जंगल में साधना करते, कल्याण का काम करते, उनका कौन घाटा होता? लेकिन उनके मन में दया थी कि संसार के लोग भटक रहे हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, इन्हें सही रास्ता बताया जाए, ताकि उस रास्ते पर चलकर ये भी अपने दुख को दूर कर सकें। उनके मन में दया ना होती संतों के तो इतना घूम घूम कर प्रचार क्यों करते, मेहनत क्यों करते? निंदा सहे, अपमान सहे, कठिनाई सहे, असुविधा सहे,
लेकिन ज्ञान की बातों का प्रचार करते रहे। क्यों? दया थी तब तो किए, ये दया ना होती तो क्यों करते? सदगुरु कबीर के लिए कहा जाता है कि वे तो सबको डांटने फटकारने वाले, किसी के लिए उन्होंने मुलाहजा नहीं किया। बात सच है लेकिन एक तरफी बात है, एकांगी बात। जहाँ धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर वे पाखंड देखते हैं, अंधविश्वास देखते हैं, शोषण देखते हैं, वहाँ उनकी वाणी आग उगलती है, आग, एकदम दहकती हुई आग। वहाँ वे किसी को कुछ समझते नहीं हैं, सब खुल करके फटकारते हैं। लेकिन जब साधकों के सामने आते हैं, मुमुक्षुओं के सामने, तो अत्यंत विनम्र, अत्यंत विनम्र। कितनी करुणा थी उनके मन में। वे कहते हैं, दादा भाई बाप के लेखों चरणन हुई हों बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारी सोजन सदा आनंदा। कोई जिज्ञासु साधक आया होगा, साहब ने समझाया होगा उसे, बात समझ में नहीं आया होगी, तो साहब कहते हैं, भाई कहो तो मैं तुम्हें दादा कह दूँ, पिता के पिता मानने के तैयार हूँ। कहो मैं तुम्हें अपना बड़ा भाई भैया मान लूँ, और कहो तो तुम्हें अपने पिता समान आदर भी दे दूँ। इतने पर भी संतोष न हो तो मैं तुम्हारे चरणों का गुलाम, चरणों का बंदा बनने के तैयार हूँ। तुम इतना काम करो कि अपना बंधन काट लो। हम अपना बंधन काट रहे हैं तो गुरु को क्या मिलेगा? लेकिन उनके मन में दया है हमारे लिए, हमारे दुख को देख करके वे पिघलते हैं। तो अविनाशी आत्मतत्व का बोध करना है तो पहली शर्त है दया। और दया के लिए चाहिए लोभ का त्याग। जो पैसे का लोभी होगा, कोई हो, कहीं हो, साधु हो, गृहस्थ, पैसे का लोभी मतलब महाक्रूर, पत्थर हृदय, विषयाशक्ति का त्याग। विषय की लोलुपता होगी, लंपड़ता होगी, तो हृदय क्रूर बनेगा। और अहंकार, अपने को बड़ा मानना। लोभ, विषयाशक्ति और अहंकार ये आदमी को क्रूर, हिंसक जानवर बना देते हैं। और ऐसा आदमी दया को नहीं समझ सकता, वो धर्म परोपकार साधना का काम नहीं कर सकता। इसलिए लोभ, विषयाशक्ति और अहंकार का त्याग करके दया, कोमल हृदय, कोमल मन, धर्म को पाले, धर्म का पालन। धर्म क्या है? अपने कर्तव्य कर्मों का समुचित रूप से पालन करना। जो आपका कर्तव्य है, जहाँ आप रहते हैं, माता हो, पिता हो, पति हो, पत्नी हो, पुत्र हो, पुत्री हो, सास हो, बहू हो, गुरु हो, शिष्य हो, स्वामी हो, सेवक हो, अपने अपने कर्तव्य का पालन। कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो मन में कचोट होती रहेगी, भजन पूजन साधना में मन लगेगा नहीं। जिस श्रेणी में आप हैं वहाँ समर्पित होकर अपने कर्तव्य का पालन करो। धर्म का अर्थ नैतिकता, धर्म का अर्थ सदाचार, और धर्म का अर्थ है अपने मन इंद्रियों पर पूरी तरह से संयम कर लेना, आत्मसंयम। मन की निर्मलता धर्म है। अहिंसा धर्म है। अहिंसा का पालन करें तो धर्म का पालन। धर्म पूजा पाठ नहीं है, धर्म कथा कीर्तन नहीं है, धर्म नाम जप नहीं है,
धर्म है सद्गुण सदाचार का आचरण पालन, धर्म है हिंसा प्रेम, मन की निर्मलता, चित्त की शुद्धता, ये धर्म। और जब मन निर्मल होगा, चित्त शुद्ध होगा, तब आत्म साक्षात्कार होगा। और मन निर्मल चित्त शुद्ध कैसे होगा? आत्म संयम से, मन इंद्रियों पर निग्रह करने से। मन इंद्रियों पर निग्रह कब होगा? जब सद्गुण सदाचार का आचरण होगा तब। तो नैतिकता, सद्गुण, सदाचार, मन इंद्रियों की निर्मलता, आत्मसंयम, ये धर्म है। इनका जब पालन होगा तब अविनाशी आत्मा का बोध होगा, उसका साक्षात्कार होगा। जग से रहे उदासी, संसार से उदास। उदास मतलब ऐसा उदास नहीं, क्या करें भैया, हमारा तो कोई साथी नहीं है, बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा, खाने पीने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसे हम काम कर सकें, हम तो छोटे आदमी हैं, ऐसा उदास होना नहीं है। उदास होने का यहाँ अर्थ है कि भोग की लालसाओं से रहित होना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपने आप के लिए मैं पूर्ण हूँ, तृप्त हूँ, समर्थ हूँ। भोगों के आकर्षण से रहित, अपेक्षा रहित, कामना रहित होना मानो उदास होना है। भोग तृष्णा है मन में, लालसा है मन में, तो दुखी बना रहेगा मन, क्योंकि कामनाएं पूरी नहीं होगी, तृष्णाएं पूरी नहीं होगी, मन चाहा भोग नहीं मिलेगा, तो बेचैन बना रहेगा, व्याकुल बना रहेगा, खींचता रहेगा मन, उसके लिए फिर आपाधापी होगी, छलकपट होगा, और हम अपने को बेचते चले जाएंगे। इसलिए उदासीनता, उदासीनवत आसीनो, गीता में कहा गया उदासीन के समान आसीन, भोगों से लापरवाह, खाने पीने चीजें मिल गई जो खा ली, शरीर की प्रकृति के अनुकूल हो, रोग कारक ना हो, बस उसके पश्चात जैसा भोजन आया खा लिए। ये नहीं कि ऐसा भोजन हो, ऐसा भोजन हो, ऐसा चावल, ऐसी सब्जी, इस प्रकार से छौंक बघार, कुछ नहीं। ऋग्वेद में भी ये बात आई है कि भोजन का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, जब जो भोजन आ जाए, जितना आ जाए, उसको कम नहीं समझना चाहिए, पर पेट भरने के लिए है, जितना मिला है पेट भर लो, खा लो। तो उदासीनता, लापरवाही, लापरवाही से मतलब कर्तव्य कर्मों से लापरवाही नहीं, भोगों से लापरवाही, इच्छा कामना से लापरवाही, ये उदासीनता है। हजरत मोहम्मद ने भी कहा है हदीस में, जो दुनिया से उदास रहता है और कम बोलता है, उसकी संगति करना, वहाँ से तुम्हें रोशनी मिलेगी। अनुभव तो सबका एक जैसा होता है, वही मन में राम, वही मन में काम, कैसे होगा? आत्मलाभ करना चाहते हैं, आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, आत्म शांति का अनुभव करना चाहते हैं, और मन में उमड़ घुमड़ रही है कामनाएं,
तो कैसे होगा? काम और राम, दुनिया और परमात्मा एक साथ एक जगह कैसे रहेंगे? अंधकार और प्रकाश एक साथ कैसे रहेंगे एक जगह? प्रकाश होगा तो अंधकार नहीं होगा, अंधकार होगा तो प्रकाश नहीं होगा। दुनिया होगी परमात्मा नहीं होगा, परमात्मा होगा दुनिया नहीं होगी, राम होगा काम नहीं होगा, काम होगा राम नहीं होगा। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी कबहू होत नहीं रवि रजनी इकठाम। रवि और रजनी, सूर्य और रात दोनों एक साथ एक जगह कैसे रह सकते हैं? रात होगी सूरज नहीं होगा, सूरज होगी होगा रात नहीं होगी। हम दोनों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, काम कैसे बनेगा? इसलिए जग से रहे उदासी, उदास हो जाओ, भोगों से लापरवाही, कुछ नहीं होना चाहिए हमको, निष्काम। अपना सा जीव सबको जाने और सभी जीवों को अपने समान सजाती चेतन समझे। जैसे मुझे सुख दुख का अनुभव होता है, ऐसे सभी जीवों को सुख दुख का अनुभव होता है, ऐसा जान करके प्राणी मात्र को दुख देने की चेष्टा क्रिया और भावना से रहित हो जाना, सबका कल्याण कामना करना। जैसे मैं चेतन हूँ ऐसे सामने वाला चेतन है, अलग कहाँ है? और फिर छोटा कौन बड़ा कौन, कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब में एक ही आत्मा, एक समान आत्मा सब में है, कौन छोटा कौन बड़ा, कौन नीच कौन ऊंच, कौन पूज्य कौन अपूज्य, कौन छूत कौन अछूत, ये सब बीच की बातें हैं। हंत देत जी न्यारा हुई ताकर जाति रहे को, ताकर जाति कहे धो कोई, शाह सफेद की राता पीरा, अवरन बरन की ताता सीरा, हिंदू तुरुक की बूढ़ो बारा, नारी पुरुष का करु बिचारा। एक हाथ में सतगुरु कबीर कहते हैं, शरीर छोड़कर जीव चला गया, गर्म है कि कहोगे ठंडा, लाल कहोगे कि पीला, स्त्री कहोगे पुरुष, बूढ़ा कहोगे कि बालक, शरीर रहते रहते क्या करोगे कहोगे? इसलिए सभी जीव को अपने समान समझो, अपने बराबर। अब जहाँ की जैसी मर्यादा है व्यवहार क्षेत्र में, उसका तो पालन करना पड़ता है, लेकिन हृदय से मन से किसी को छोटा मत समझो। कोई छोटा है ही नहीं, सब बराबर, क्योंकि जीव मात्र एक समान ज्ञान स्वरूप शुद्ध बुद्ध निर्मल। जो अंतर है वह अंतर शरीर संबंध से है, और ये झूठा है, थोड़े समय रहने वाला, वास्तविकता में अंतर नहीं है। इसलिए अपना सा जीव सबको जाने, सभी जीवों को अपने समान सुख दुख का अनुभव करने वाला समझकर, दूसरों को दुख देने की क्रिया भावना से रहित रहना, किसी का तिरस्कार न करना, समान सजाति चेतन समझना, ताहि मिले अविनाशी साक्षात्। तब ऐसा जब होगा अविनाशी आत्मा का बोध साक्षात्कार होगा। इसके लिए साहब और कहते हैं आगे, सहे कुशब्द वाद को त्यागे, छाड़े गर्व गुमाना, कुशब्द को सहन करें। कोई कटु कह रहा है, गाली दे रहा है, अपमान कर रहा है, निंदा कर रहा है, सहन कर ले। कटु कहता है स्वयं कटु ना कहें, गाली देता है स्वयं गाली ना दें, निंदा करता है स्वयं निंदा ना करें, अपमान करता है स्वयं अपमान ना करें। हमें अपनी शांति चाहिए। किस किस को उत्तर दोगे, किसका किसका मुंह आप बंद करोगे?
अपने मुंह को बंद करना तो लोग जानते नहीं हैं, दूसरों के मुंह को बंद करना चाहते हैं। अपना मुख बंद कर लो, दूसरों का मुख अपने आप बंद हो जाएगा। किसी दूसरे के मुख को बंद नहीं करना है, बंद करना है केवल अपने मुख को। और दूसरा कुछ कहता है तो उसको सहन कर लो, उलझो मत। यह ना सोचें कि हम इतने बड़े आदमी, हम इतने ज्ञानी, हम ऐसे साधु, हम ऐसे महात्मा, हम ऐसे गुरु, हम ऐसे प्रवक्ता, उन्होंने हमें ऐसे कैसे कह दिया, हमारे बारे में ऐसा लिख क्यों दिया। ठीक है, जैसा उन्होंने समझा वैसा उन्होंने कहा, जैसा उन्होंने समझा वैसा उन्होंने लिखा। ये भी मत समझो कि मैं पिता हूँ, ये मेरा बेटा होकर मुझे ऐसा कैसा कह रहा है। कह सकता है, उसकी बुद्धि वैसी है, उसकी समझ वैसी है। इसलिए कह रहा, बुद्धि और समझ ठीक होती तो ऐसा कहता क्यों। उन्होंने तो गलत कह दिया। आपका अहंकार कि मैं पिता, उन्होंने मेरा बेटा हो ऐसा कैसा कहता, आप उलझ गए तो आप भी मूर्ख बन गए। वो तो मूर्ख था, ना समझ था तो ऐसा कहा, और आप उलझ गए तो आप भी ना समझ बन गए। बुद्धिमानी क्या है? किसी से गलत व्यवहार पा करके स्वयं गलत व्यवहार न करना। सदगुरु कहते हैं सहे कुशब्द, कुशब्द को सहन करो, स्वयं कुशब्द न बोलो, न कहो किसी को। कोई कहता है तो धन्यवाद दे दो। ये समझना होगा जिसके पास जिस समय जो वस्तु होती है वह दूसरों को उस समय वही चीज़ देता है। जिस समय जो वस्तु नहीं होगी वो कहाँ से देगा? और चीज़ें बदलती रहती हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई ठेला वाला है, वो ठेला में कभी सब्जी रखकर बेचता है, कभी आम का मौसम आया आम रखकर बेचता है, सेब का मौसम आया सेब रख करके बेचता है, खीरी ककड़ी का मौसम आया खीरी ककड़ी रखकर बेचता है। अब उसे आप चाहो कि हर समय एक ही चीज़ बेचे, कैसे होगा? तो उसके पास जो चीज़ होगी, जो बाहर लाया होगा वो उसको बेचेगा। ऐसे हम सब भी व्यापारी और खरीदार हैं, हम बेचने वाले भी हम हैं और खरीदने वाले भी हम हैं। हर आदमी, गुरु हो, शिष्य हो, पिता हो, पुत्र हो, सास हो, बहू हो, पति हो, पत्नी हो, भाई बहन हो, कोई हो, जितने आदमी हैं, समय से वो बेचने वाला बनता है, समय से वो खरीदने वाला बनता है। अच्छी चीज़ बेचें और अच्छी चीज़ खरीदें। कोई आदमी गलत चीज़ बेच रहा है, उलझो मत। आपको ज़रूरत नहीं, मत खरीदो। ठेला वाला सब्जी लेकर जा रहा है, भाई कुम्हड़ा ले लो, कुम्हड़ा ले लो। आपको ज़रूरत नहीं कुम्हड़ा की, मत खरीदो। कहे अरे मुझे परवल चाहिए, तुम कुम्हड़ा क्यों बेच रहे हो? तो जहाँ परवल चाहिए वहाँ जाओ, कुम्हड़ा चाहते मत ले लो। ऐसे समझ लो, पत्नी के पास कभी प्रेम होगा तो प्रेम बेच देगी आपको, क्रोध होगा क्रोध देगी, कर्ता होगी कर्ता देगी, विनम्रता होगी विनम्रता देगी। पति के पास क्रोध होगा तो क्रोध देगा, दया होगी तो दया देगा, प्रेम होगा तो प्रेम देगा। ऐसे ही हर किसी के पास है। कभी कोई गुस्सा से में उलझ रहा है, निंदा कर रहा है, समझ लो इस समय इसके पास निंदा है, वो है, वही बेच रहा है। आपको जरूरत नहीं, मत खरीदो। वही आदमी अभी निंदा कर रहा है, वही आदमी दो घंटे बाद प्रसन्नता करेगा, वही आदमी अभी क्रोध कर रहा है, वही आदमी अभी कुछ देर पश्चात आपसे प्रेम करेगा। समान बदल रहा है ना, हम सब के भीतर का जो समान है वो बदलता रहता है। इसलिए हमारा कर्तव्य यह है कि हम अपने पास अच्छा समान रखें। अच्छा सामान रखेंगे, अच्छा देंगे, नहीं भी देना कोई को लेने वाला है तो हमारे पास तो रहेगा ना।
एक आदमी आम बेच रहा है, एक आदमी तंबाकू बेच रहा है, बेचते बेचते आम बेचने वाले का आम बिक तो गया, चार छह आम बच गया, तो क्या होगा? सोचा कि अरे बिक गया है, आम बचा हुआ है, शाम का समय है, चलो लाओ हम लोग घर वाले मिल बैठ करके खा सकते हैं, अच्छा है आम, जितना बिका बेच दिया, जो बचा काट करके सब घर वाले मिल करके खा गए। अब एक आदमी तंबाकू बेच रहा है, बेचते बेचते बच गया, सोचे अरे इतना बिक गया है, कल कहाँ रखे, लाओ हम मिल बांट करके खा लें, ये समझदारी होगी क्या? तो हमारे पास हम अच्छा सामान रखेंगे, जो मिलेगा अच्छा दे देंगे, नहीं मिलेगा हमारे पास तो अच्छा सामान तो रहेगा ना, हम गलत सामान न रखें, गलत सामान न बेचें, दूसरा कोई बेचता है बेचने दो, खरीद हम खरीदे ना। सदगुरु कबीर कहते हैं सहे कुसब, कोई गाली दे रहा है, क्रोध दे रहा है, निंदा कर रहा है, बुराई कर रहा है, उसे लो मत, सहन कर लो, उलझो मत, स्वयं ऐसा न करो, वाद को त्यागे। वाद से मतलब विवाद, कलह को छोड़ दो, विवाद में न पड़ो। विवाद कर कर के आज तक कोई किसी को समझा नहीं सका है, समझने समझाने का रास्ता है संवाद। संवाद अपनी बात कहना, दूसरे की बात सुनना, अपनी कहे मेरी सुने, सुन मिले के होए। सदगुरु कबीर कहते हैं अपनी बात कहो, दूसरे की बात सुनो, और कह सुन करके दोनों की बात में समन्वय करके जो विवेक पूर्वक हो उस रास्ते पर आ जाओ। विवाह से बचने के लिए साहब और रास्ता बताते हैं, सुनिए सबकी निबेरिए अपनी, सबका सुनो सबका सुनो, लेकिन निबेरा अपना करो, विवेक अपना करो, क्या सही क्या गलत, विवाद में पड़ने का अवसर ही नहीं आएगा, तो विवाद में ना पड़े। कोई उलझाने वाला आता है तो उलझे ना, कभी हाँ भैया आपकी बात सच, उसे कह दो कि आपकी बात सच, उसकी बातों में प्रसन्नता कर दो, खुश हो जाएगा वह, फिर विवाद करना छोड़ देगा। उलझेंगे कि आपकी बात गलत है ये सच, तो मानेगा नहीं, तर्क करेगा, उलझन बढ़ेगी। इसलिए कोई कहता नहीं मेरी बात सच, कहते हाँ भैया आपकी बात सच है, कह दो, न मानो क्या जरूरत है मानने की। इसलिए विवाद में न पड़ो। कितने लोग आपको हराने के लिए आएंगे, हार मान लो, हार जाने में अपनी कोई तौहीनी नहीं है, विवाद करने में उलझने में तौहीनी है। सबके ऊपर अपनी बात में थोप दूं, सबसे अपनी बात में मनवा लूं, सबको परास्त कर दूं, सबकी बोलती बंद कर दूं, नरक का रास्ता। फिर वो कहते मैंने ऐसी ऐसी बात कही कि बोलती बंद हो गई, समझ नहीं पाया कि लोग समझे कि हाँ विवाद करेंगे तो और मामला गड़बड़ हो गया, तो चुप हो गए, और हम मानते हैं मैंने सबकी बोलती बंद कर दी। ये नरक का रास्ता है, किसी की बोलती बंद ना करो, अपनी बोलती बंद कर लो बस। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा हारा सो हरि को मिले, जीता जमपुर जाए। जो हार जाता है मौन हो जाता है, विवाद में नहीं पड़ता, चुप रहता है, झुक जाता है, वह हरि को मिल जाता है, उसे शांत परमानंद का अनुभव होने लगता है। और जीता जमपुर जाए, और जो सब पर जीत की भावना रखते, सबको पर दबदबा कायम कर लूँ, ऐसी बात कहूँ कि सब चुप हो जाए, मेरे सामने चू ना कर सके, सबको हराने की कामना, सदगुरु कहते हैं फिर तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा, जमपुर में जाना पड़ेगा।
ये शांति का रास्ता नहीं है। हारना, जब आप मंदिर जाते हो वहाँ किसी की मूर्ति है, आप मानते हैं कि वहाँ भगवान बैठा हुआ है, मंदिर जाकर भगवान की पूजा करेंगे। आप गुरु के पास जाते हैं तो क्या जाते हैं, हार लेकर जाते हैं। जीत लेकर के भी गए हैं मंदिर में, किसी को आपने जीत लेकर के मंदिर जाते देखा है? जो जाता है हार लेकर के जाता है। कोई आदमी जीत लेकर नहीं जाता, हार ही कहा जाता है। क्यों वहाँ कहा गया कि हार लेकर के जाओ? मतलब अपने अहंकार को गला करके जाओ, अपने को छोटा मान करके जाओ, लघु मान करके जाओ, अपने अंतकरण को खाली करके जाओ, यही हारना है। जब हम गुरु के पास बड़े बन करके गए, क्या सीखेंगे गुरु से? हमें क्या मिलेगा गुरु से? जब हार करके जाएंगे, छोटा बन करके, खाली हो करके, झुक करके जाएंगे, कुछ पाने की आशा लेकर के जाएंगे, तब तो मिलेगा ना। और जीत लेकर के गए हैं, जाऊंगा और गुरु से अपनी बात मनवा करके आऊंगा, नरक चला गया फिर, कहाँ सुनना पड़ता है समय से। तो बात यहां यह है, वाद को त्यागे, विवाद का त्याग करो, शांत रहो, मौन रहो, अपनी हार स्वीकार कर लो। छाड़े गर्व गुमाना, गर्व और गुमान को छोड़ दो। गर्व अहंकार, घमंड, मैं इतना ज्ञानी, मैं इतना धनवान, मैं इतना पदवान, मैं इतना बड़ा गुरु, इतना मैं इतना बड़ा महान, मतलब कुछ किसी दुनिया की किसी भी स्थिति से, किसी योग्यता से जोड़कर अपने को बड़ा मानना, ये अहंकार। और अहंकार पतन का रास्ता। अहंकारी आदमी कहीं भी शांति का, प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर सकता है। उसका भीतर, उसका मन हमेशा जलता रहेगा। अहंकार की आग में दहत सकल संसार, तैसे बाँचे संतजन केवल शांति आधार। ये गोस्वामी जी कहते हैं, पूरा संसार अहंकार की आग में जल रहा है। जो संतजन हैं शांति का धार लेकर के उससे बच जाते हैं, मतलब यही है, जो शांत है, विनम्र है, विवाद में नहीं पड़ता, वो संत। गोस्वामी जी तो कहते हैं, तेते बाँचे संतजन केवल शांति आधार। शांति का सहारा लेकर के अहंकार के आग से जलने से संत बच जाता है। तो किसी ने पूछा आपसे, संत कौन? तो एक उत्तर, जिसका तन मन वचन शांत वो संत, चाहे जिस कपड़े में हो। एक परिभाषा संत की, संत का अर्थ होता है शांत रहने वाला। जो शांत है, सब समय शांत, तन भी शांत, मन भी शांत, वो संत। तन अशांत, मन अशांत, वो असंत, चाहे जिस कपड़े में हो। इसलिए गर्व का त्याग, अहंकार का त्याग। अहंकार जब भी रहेगा, कभी आत्मतत्व का, परमात्म तत्व का अनुभव नहीं कर सकते हैं। अनेक बार ये उदाहरण आपने सुना होगा, जानते हैं कि जैसे ये ट्रेन पटरी पर दौड़ती है, बड़ी कई कई गाड़ी, बड़ी तेज गाड़ी होती है, राजधानी एक्सप्रेस सबसे तेज गाड़ी मानी जाती है, बड़ी तेजी से दौड़ रही है। ड्राइवर ने देखा सिग्नल डाउन नहीं हुआ है, लाल है, ब्रेक मारता है, गाड़ी खड़ा कर देता है। जब तक सिग्नल डाउन नहीं होगा, गाड़ी, ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन को एक इंच आगे नहीं बढ़ा सकता, बढ़ा देगा तो सस्पेंड हो जाएगा। गाड़ी तभी आगे बढ़ाता है जब सिग्नल डाउन होता है। स्टेशन पर गाड़ी तभी प्रवेश करती है जब सिग्नल डाउन होता है। सिग्नल डाउन नहीं हुआ तो गाड़ी स्टेशन के बाहर आउटर पर खड़ी रहती है। ये उदाहरण है, उदाहरण ही सच है। इसी प्रकार हमारे अंतःकरण में
शांति का, मोक्ष का, परमात्मा का प्रवेश तब होता है जब अहंकार का सिग्नल डाउन होता है। जिसने अपने अहंकार के सिग्नल को डाउन नहीं किया, उसके भीतर आत्म शांति, आत्म साक्षात्कार, परमात्मा की गाड़ी का प्रवेश कभी हो नहीं सकता है। इसलिए गर्व का त्याग, अहंकार का त्याग, सरलता, विनम्रता, गुमान, संदेह, अपने आत्म अस्तित्व पर संदेह, अपने कल्याण पर संदेह, अपनी साधना पर संदेह, व्यवहारिक सहयोगियों पर संदेह। संदेह ऐसा घुन है कि आदमी के मन को चाल कर अंदर अंदर खोखला कर दे। जैसे लकड़ी में घुन लगता है, लकड़ी बाहर से एकदम मजबूत, साफ, चिकनी दिखाई पड़ती है, लेकिन अंदर खोखली हो गई जाती है। ऐसे संदेह घुन आदमी के मन को चाल चाल करके कमजोर कर देता है। संदेह में पड़ा हुआ आदमी साधना का काम, आत्मकल्याण, आत्म साक्षात्कार काम नहीं कर सकता है। इसलिए गुमान का त्याग। आत्म राम ताही को मिले हैं कहें कबीर सुजाना साहब कहते हैं, इतनी बात जब जीवन में उतर जाएगी, इन बातों का जीवन में जब आचरण और पालन हो जाएगा, तब आत्म राम ताही को मिले, उसको आत्मा राम मिलेगा। वो तो मिला मिलाया है, उसका अनुभव होगा, साक्षात्कार होगा। तीन चार पंक्ति में सद्गुरु कबीर आत्म साक्षात्कार, आत्मलाभ के लिए उपाय बताते हैं। दया रखो, धर्म का पालन करो, संसार के भोगों से उदास रहो, प्राणी मात्र को, जीव मात्र को अपने समान सजाति समझकर सजाति मित्रता का व्यवहार करो, और कुशब्द को सहो, स्वयं कुशब्द का प्रयोग न करो। दूसरा कहता है सहन कर लो, विवाद में न पड़ो, विवाद से बचा करके रहो। अहंकार और गुमान का जब त्याग करोगे, तब अविनाशी आत्मतत्व का साक्षात्कार होगा, आत्मलाभ होगा। यही बात मुंडक उपनिषद के ऋषि कहते हैं, यदि आत्मलाभ करना चाहते हो, आत्म साक्षात्कार करना चाहते हो, तो उसके लिए शर्तें हैं। चार शर्त बताते हैं वे, जिन चार शर्तों को पूरा करेगा उसको आत्मलाभ होगा। वे शर्तें कौन हैं? सत्येन लभ्य तपसा हेत आत्मा, सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येन नित्यम। सत, तप, सम्यक ज्ञान और नित्य का ब्रह्मचर्य, इनसे आत्मलाभ होगा। सत, सत्य का ज्ञान, सततापूर्ण आचरण, सततापूर्ण वाणी और सततापूर्ण भावना। हमारा ज्ञान सत्य हो, वाणी सत्य हो, भावना सत्य हो, आचरण सत्य हो, जब इस चार प्रकार से जीवन में सत्य की निष्ठा होगी, प्रतिष्ठा होगी, तब आत्मलाभ होगा। दूसरी बात है तप। तप का अर्थ क्या है? सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने में जो कठिनाई, जो विघ्न बाधाएं आए, उनको निर्विकार भाव से सहन करना, विचलित न होना। जब आप धर्म के रास्ते पर चलोगे, सत्य के रास्ते पर चलोगे, लोगों की सेवा करने के लिए चलोगे, तो आपके मार्ग में अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं आएंगी, विपत्तियां आएंगी, बाहर से भी आएंगी और भीतर से भी आएंगी। भीतर हमारा मन, बाहर संसार के लोग, परिस्थितियां, तो इनमें विचलित ना होना, ना घबराना, हार ना मानना, किंतु सारी कठिनाइयों को सहन करके एक रस अपने साधना के काम में, सेवा के काम में लगे रहना, इसका नाम है तप। भूखे रहना, महीनों महीनों उपवास करना, नंगे रहना, खड़े रहना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 12-12 साल तक खड़े रहते हैं, 12 साल तक बैठते ही नहीं हैं बिल्कुल। टट्टी पेशाब जाएंगे तो खड़े खड़े, खाना खाएंगे खड़े खड़े, नहाएंगे खड़े खड़े, सोएंगे खड़े खड़े,
कोई एक पेड़ है उसकी एक डाल है, उस डाल में रस्सी बांध दिए, रस्सी पर पटरा लाद दिए, उसी पटरा पर हाथ रखकर सिर रख करके खड़े खड़े सो गए। 12 साल तक एक मिनट के लिए भी नहीं बैठते, उनका निश्चय है 12 साल तक खड़े रहूँगा तो भगवान मिलेगा। उनकी निश्चयता निश्चित ही प्रसन्नता नहीं है, लेकिन वो भटक गया है। कितने लोग मौनी हो जाते हैं, ये सब तपस्या नहीं है, तप नहीं है, काया कष्ट है। तप है सारी विघ्न बाधाओं को सहन करके एक रस अपने सत्य धर्म कल्याण के रास्ते पर चलते जाना, सहनशील बन जाना, सहन करना होगा। स्वामी शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में जहाँ मोक्ष के ब्रह्म ज्ञान के 4 साधन बतलाए हैं, विवेक, वैराग्य, सर्व संपत्ति और मुमुक्षुता, इनमें सर्व संपत्ति में उन्होंने कहा है तितिक्षा। तितिक्षा का अर्थ होता है सहनशीलता। तितिक्षा का वर्णन करते हुए कहते हैं, सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। सहनम सर्व दुखानाम, सभी दुखों को सहन करना। कैसे? अप्रतिकार पूर्वकम, प्रतिक्रिया की भावना से रहित होकर, और चिंता विलाप रहितम, चिंता और विलाप से रहित होकर, सा तितिक्षा निगद्यते, वह तितिक्षा कहलाती है। न चिंता हो, न विलाप हो, न प्रतिक्रिया की भावना हो। प्रतिक्रिया की भावना, चिंता विलाप से रहित, दुख से रहित होकर के सहन करना और अपने सत्य धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ना, इसका नाम है तप। फिर सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान जो जैसा है वैसा जानना, उचित ज्ञान, जड़ और चेतन दोनों के गुणधर्मों का सही ज्ञान होना। ये जड़ है, ये चेतन है, दोनों को भिन्न भिन्न समझना, ये सम्यक ज्ञान, उचित ज्ञान। ब्रह्मचर्य नित्यम, अनित्य का ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य बड़ा आचरण। ब्रह्म का अर्थ होता है बड़ा, चर्य का अर्थ होता है आचरण, कर्म, श्रेष्ठ आचरण, बड़ा आचरण। वह क्या है? अपने मनवानी कर्मों पर पूर्ण संयम कर लेना, अपने आप पर कड़ा नियंत्रण रखना, काम भोग का त्याग, वो भी ब्रह्मचर्य है ही, लेकिन उतना ही नहीं है। काम वासना, काम क्रिया का त्याग कर दिए, मन में लोभ है, मन में क्षोभ है, ईर्षा है, बुराई है, तो ब्रह्मचर्य कहाँ है? मन भटक रहा है, चंचल बना हुआ है, खाने पीने की वस्तुओं को देख कर दौड़ रहा है, तो ब्रह्मचर्य कहाँ है? ब्रह्मचर्य अपने तन मन वचन पर पूर्ण नियंत्रण रखना होना, यह ब्रह्मचर्य है। अब ये कितने समय के लिए? नित्य के लिए। अहिंसा, अस्ते, सत, यत, जो है इनका पालन। तो जब ये 4 शर्तें पूरी होगी, सत्य हो, तप हो, सम्यक ज्ञान हो, नित्य का ब्रह्मचर्य हो, तब आत्मलाभ होगा। तो जिज्ञासु ने पूछा, महाराज आपने तो 4 बातें कही और कहा कि तब आत्मलाभ होगा, तो वो आत्मा है कहाँ, कैसा है, कौन इसका अनुभव करेगा? तब ऋषि कहते हैं, अंतः शरीरे, वो जो आत्मा है, वो जो परमात्मा, वो जो ब्रह्म, जिसे पाने के लिए भटकते हो, चाहते हो, वो कहाँ है? अंतः शरीरे, इस शरीर के भीतर है। कैसा है? ज्योतिर्मय शुभ्रो, ज्योतिर्मय प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, और शुभ्र निर्मल, वो जो आत्मा है इस शरीर के भीतर है। और
वो ज्ञान स्वरूप है, निर्मल है, देखेगा कौन? यम पश्यन्ति यति अछिन्न दोषा, जो यत्न पूर्वक साधना करते करते अपने सारे दोषों को दूर कर दिया हो, छिन्न दोष, निर्दोष, निर्विकार हो गया हो, वह देखेगा, वह आत्म साक्षात करेगा। उसी के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं ना। तो आत्मलाभ कौन करेगा, आत्म साक्षात्कार कौन करेगा? इसके लिए मैंने सद्गुरु कबीर की चार पंक्तियाँ कही और मुंडक उपनिषद का एक मंत्र, इन्हें पुनः दोहराकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। दया राख धर्म को पाले जग से रहे उदासी, अपना सा जीव सबको जाने ताही मिले अविनाशी। सहे कुशब्द पाद को त्यागे छाड़े गर्व गुमाना, आत्म राम ताही को मिले कहें कबीर सुजाना। सत्यन लभ्य तप सहित आत्मा, सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्य नित्यम, अंत शरीर ज्योतिर्मय शुभ्रो यम पश्यंती अत्य छिन्न दोषा। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम।